ये हमने पाउडर फॉर्म में लिया है इसको मावा को, ये बादाम पिस्ता केश्यू सब हमने पाउडर फॉर्म में लिया है इसको। आज हम बनाने जा रहे हैं भुजिया, इसमें हमने मेवा ले ली है, बादाम पिस्ता केश्यू और कोकोनट पाउडर और ये किशमिश लिए हैं। हम इसका बकायदा एक मावा तैयार करेंगे और मावा हमने खोया है आधा पाव के करीब, ये सब चीज़ें हम इसको हम पाउडर फॉर्म में ले जाएंगे। इसका बकायदा पहले हम मावा तैयार करके बताएंगे आपको। जी देखिए हमारी भुजिया सब रेडी हो चुकी हैं और ये हमारा भी लास्ट बचा है, ये हमारी भुजिया बन चुकी हैं। हमारी भुजिया कितनी अच्छी बनी है, कितनी शानदार बनी है, कितनी जायके से भरपूर बनी है, ये हमने प्लेट पर रख दी। अब ये देखिए हम सेकंड भुजिया डालेंगे इसके अंदर। ये हमने इसमें कोटिंग इसको देखिए हमने अच्छी सी टॉपिंग भी की इसकी, और अच्छी मतलब टॉपिंग के बाद हमने इसकी गुंदाई भी बहुत अच्छी की है और हमारी ये बहुत अच्छी अंदर से खूब जूसी बनी है, मतलब ऊपर से हमने इसको चाशनी से कोटिंग किया है, ये आप देख सकते हैं। ये भी हमने ये हमारी चार भुजिया आप देखिए इस कलर की शाइनिंग मार रही हैं और अच्छी बनी है, बहुत बयान से बाहर है। आप देखिए भुजिया सिलो सिलो, ये इससे मैंने आपसे कहा था 10 से 12 मिनट लगेंगे, कम से कम 15 मिनट लगे हैं इसको रेडी होने में। और ये देखिए आप, आउच अब तो मेरी भारी निकल गया। ये देखिए आप हमारी भुजिया, ये देखिए ये हमारी भुजिया कितनी अच्छी है, इसमें चाशनी आ गई है। चलो हमारी ये भुजिया बन चुकी है, हम इसको इसमें डालेंगे। ये हमने सिलो सिलो फ्राई होंगी और फ्लेम आप बिल्कुल सिलो रखिएगा। इसमें आपने ये सिलो सिलो ये कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको बनने में, क्योंकि आलू के समोसे होते हैं या कोई भी स्नैक्स वाली चीज़ें होती हैं बहुत ही स्लो मीडियम फ्लेम पे बनती हैं। आप देख सकते हैं इसकी लो हमने कितनी धीमी की हुई है और ये इसको कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। ये आराम से मतलब ये कि फ्राई होगी और बहुत अच्छा इसका कलर आएगा। इधर हमने इसकी चाशनी भी तैयार कर ली है और बाकी की भुजिया जब भी हमारी फ्राई हो जाएंगी तो बाकी की हम आपको दिखाएँगे। आप देख सकते हैं हम इसके ऊपर ये हल्का हल्का सा पानी इस पानी के जरिए इसको बंद करेंगे। ये आपने ऐसे भी किया और हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये आप कांटे की मदद से इसको आप ऐसे भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, सॉरी ये देख सकते हैं आप, ये आपने कांटे की मदद से डिज़ाइन डाली। ये देखिए हमने ये खासी डो स्मूथ हो जानी चाहिए घूम घूम के, हमने इसमें जितने इसको हम गुंदाई करेंगे अच्छी, जितनी इसकी गुंदाई अच्छी होगी उतने ही अच्छी भुजिया बनेंगी। और हमने मावा भी ठंडा करने के लिए रखा हुआ है, निकाल लिया है ये हमने मावा अपना ठंडा होने के लिए रखा हुआ है और ये हमने मैदा निकाला है, इसमें हम घी डालेंगे, एक चम्मच के करीब घी है। हम इसको आटे को खूब अच्छी तरह से गूंदना करेंगे, इसको ना हम पहले
इसको हम शुरू किया अच्छी तरह से उतना इसकी अच्छी सी हुक दो आपने बनानी है। उसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे